हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर थ्री फैब्रिक टू फैब्रिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक्स में, पिछले क्लास में चर्चा किया था, कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को देखे थे, फिल इन द ब्लैंक्स को देखे थे और कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किए थे। रेस्ट जो बचा हुआ है उसको आप लोग देखिए, उसको कीजिए। आज एक टॉपिक है कि हम मेकिंग ऑफ फाइबर्स, फाइबर हम तैयार कैसे करना है। तो फाइबर कैसे तैयार होगा, तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए। अजी मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स यानी कि फैब्रिक आपको तैयार करना है, फैब्रिक आपको तैयार करना है। तो फैब्रिक तैयार करना है तो इसका बेसिक कंपोनेंट क्या है, बेसिक मटेरियल क्या है, तो फाइबर। तो पहले आपको फाइबर चाहिए। फाइबर को आप क्या कीजिए, ट्विस्ट करके हैंड से या मशीन से उसको क्या करना है, यार्न तैयार करना है, यानी कि थ्रेड, लंबा सा थ्रेड आप तैयार कीजिए। फिर उस थ्रेड को दो प्रोसेस, तो आप सबसे पहले फाइबर से यार्न तैयार करोगे। आपको फैब्रिक चाहिए तो सबसे पहले फाइबर से आपको यार्न तैयार करना होगा। ओके, तो आप उसका जो है ना, एक प्रोसेस है आपका स्पिनिंग प्रोसेस, क्या है, स्पिनिंग प्रोसेस, तो उस प्रोसेस का यूज करो। उस प्रोसेस का यूज करके आप क्या करो, फाइबर से यार्न तैयार करो, यानी कि थ्रेड बनाओ, एक लंबा सा थ्रेड बन के तैयार हो गया, यानी कि यार्न तैयार है आपके पास। अब थ्रेड यानी कि यार्न का यूज करके आपको फैब्रिक बनाना है। तो अब इसको जो है ना तैयार करने के लिए जो है ना, या तो आप वीविंग प्रोसेस या नीटिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हो, वीविंग या नीटिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हो यार्न से फैब्रिक तैयार करने के लिए, वीविंग या नीटिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हो। तो फिर यार्न से आपका फैब्रिक तैयार होगा। तो कैसे होगा, तो कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, इस पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स। तो दो स्टेप्स चाहिए। फर्स्ट स्टेप फाइबर से यार्न तैयार करना है, और सेकेंड स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप, फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न बाय द प्रोसेस स्पिनिंग। तो ये एक प्रोसेस है स्पिनिंग, और इज स्पिनिंग, स्पिनिंग इज ए प्रोसेस इन विच, इन दिस प्रोसेस फाइबर आर कन्वर्टेड टू यार्न, इसमें जो है फाइबर को हम लोग यार्न में कन्वर्ट करते हैं, तो ये स्पिनिंग प्रोसेस है। आप याद रखिए टर्म सब जो है, याद रखिए स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइबर से यार्न तैयार करते हैं। और सेकेंड स्टेप फैब्रिक आपको तैयार करना है, तो सबसे पहले फाइबर से यार्न तैयार करना होगा, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न बाय द प्रोसेस वीविंग एंड नीटिंग। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि यार्न से आपको फैब्रिक तैयार करना है वीविंग या नीटिंग प्रोसेस का यूज करके। ओके, ये भी एक प्रोसेस है, वीविंग और नीटिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा हमने क्या करते हैं, यार्न से फैब्रिक तैयार करते हैं। ओके, तो मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स, तो पहला स्टेप की चर्चा करते हैं, फर्स्ट स्टेप की चर्चा करते हैं, मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो यार्न इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, यार्न है क्या, एक लंबा सा ट्विस्टेड थ्रेड होता है, धागा होता है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस फॉर स्पिनिंग, यार्न जो तैयार होगा स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू। स्पिनिंग कन्वर्ट्स फाइबर्स इनटू यार्न, स्पिनिंग क्या करता है, स्पिनिंग एक प्रोसेस है, ये क्या करता है, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट कर देता है। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय यूजिंग थ्री डिवाइसेज, तो यार्न आपको तैयार करना है फाइबर से, यार्न आपको तैयार करना है फाइबर से, इसके लिए आपको थ्री डिवाइसेज यानी कि तीन डिवाइस का आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन हैंड स्पिंडल यानी कि टकली, हिंदी में उसको टकली भी बोलते हैं। तो पहला ये सिंपल डिवाइस है, इसका आप यूज कर सकते हो। सेकेंड वन स्पिनिंग व्हील, जिसको चरखा बोलते हैं, महात्मा गांधी जो है इंडिपेंडेंस के टाइम में जो है इसका यूज किया था, तो इससे भी जो है चरखा का यूज करके, जिसको स्पिनिंग व्हील कहते हैं, इसका भी यूज करके आप फाइबर से यार्न तैयार कर सकते हो। और थर्ड वन स्पिनिंग मशीन, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, अब जो है जल्दी बाजी में हमको जल्दी से ज़्यादा यार्न तैयार करना होता है,
तो हम लोग जो है ये फर्स्ट टू जो स्टेप है डिवाइसेज है उसका यदि हम यूज करें तो काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम थर्ड डिवाइस जो है इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में जो है हम लोग ढेर सारा मशीन का यूज करते हैं और वहाँ पे फाइबर से यार बहुत ही कम समय में और ज़्यादा अमाउंट में हम लोग तैयार करते हैं। तो थर्ड वन क्या है, स्पिनिंग मशीन। ओके, तो हैंड स्पिंडल की चर्चा कर ले। तो ये हैंड स्पिंडल जो है एक डिवाइस है, इसमें क्या करते हैं, ये आपका मान लीजिए क्या है, कॉटन है, कॉटन है यानी कि फाइबर है, ठीक है। ये जो है आपका डिवाइस है, ये टकली है आपका, और इस पे जो है आप इसको जो है ट्विस्ट करते जाओ, इस पे जो है इसको घुमाते जाओ, और इस पे आपको यार्न तैयार होती जाएगा। यानी कि हैंड स्पिंडल क्या है, हैंड स्पिंडल इट इज ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग के लिए बहुत ही सिंपल डिवाइस है, स्पिनिंग कॉटन एंड मेकिंग यार्न। तो इसका यूज कॉटन से हम यार्न तैयार करने में यूज करते हैं, हैंड स्पिंडल इज कॉल्ड टकली, इसको हम टकली भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट डिवाइस के बारे में आप समझ गए। सेकेंड डिवाइस, तो सेकेंड प्रोसेस हो गया आपको यार्न तैयार करने का, स्पिनिंग हुई। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग कॉटन मेकिंग यार्न इज स्पिनिंग व्हील। तो कॉटन से आपको यार्न तैयार करना है तो सेकेंड प्रोसेस है, आप सेकेंड डिवाइस आप यूज कर सकते हो स्पिनिंग व्हील का, जिसको हम लोग चरखा भी कहते हैं। तो महात्मा इंडिपेंडेंस के टाइम में जो है, जब ब्रिटेन का जो है ना कपड़ा जो है ना इंडिया में आ रहा था, मशीन से बन के आ रहा था, तो यहाँ की जो है ना कुछ नेता लोग क्या किए थे, जैसे महात्मा गांधी लोग क्या किए थे, उसका विरोध किए थे और बोले थे कि खुद हम लोग को फाइबर से जो है यार्न तैयार करके फैब्रिक तैयार करना है, यानी कि क्लॉथ तैयार करना है। तो चरखा का यही इस सेकेंड डिवाइस है स्पिनिंग व्हील, जिसको चरखा कहते हैं, इसी का यूज करके वो लोग क्या करते थे, फाइबर से यार्न तैयार करते थे, फिर फैब्रिक यानी कि क्लॉथ तैयार करते थे। तो स्पिनिंग व्हील अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग कॉटन मेकिंग यार्न इज स्पिनिंग व्हील, इसको स्पिनिंग व्हील कहेंगे, और सो कॉल्ड चरखा, इसको हम लोग चरखा भी कहते हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज बाय द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन जो कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उस समय में जो है ये चरखा काफ़ी पॉपुलराइज हुआ था, काफ़ी पॉपुलर हो गया था, और अपने यहाँ जो है ना ढेर सारे व्यक्ति जो है चरखा का यूज करके जो है ना फैब्रिक्स तैयार करते थे। थर्ड वन, आजकल जो है हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग मशीन का यूज करते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो है स्पिनिंग मशीन का यूज करते हैं। ये बहुत ही कम समय में उनको क्या करता है, फाइबर से यार्न तैयार कर देता है। तो ये थर्ड आपका डिवाइस हो गया। तो थर्ड डिवाइस स्पिनिंग ऑफ यार्न इज ऑल्सो डन बाय स्पिनिंग मशीन। तो यार्न आपको तैयार करना है कॉटन से इन फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में जो है यार्न आपको तैयार करना है तो आप स्पिनिंग मशीन का यूज कर सकते हो। और किया ही जाता है, द यार्न प्रोड्यूस्ड बाय स्पिनिंग इज देन यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमको फाइबर तैयार हो गया, यार्न तैयार हो गया, तो अब हम उसका यूज करेंगे किसमें, फैब्रिक्स तैयार करने में। अब तो आप क्या किए, यार्न तैयार कर लिए, थ्री डिवाइसेज का यूज किए, यार्न आपका तैयार हो गया, अब क्या करना है आपको, फैब्रिक्स तैयार करना है। तो सेकेंड पॉइंट कि दो प्रोसेस बताए थे आपको फैब्रिक तैयार करने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइबर फैब्रिक तैयार करना है तो सबसे पहले आपको फाइबर से यार्न तैयार करना होगा, फिर सेकेंड स्टेप में आपको यार्न से फैब्रिक तैयार करना होगा। तो आप थ्री डिवाइस का यूज करके, हमने चर्चा किया थ्री डिवाइस का यूज करके आप फाइबर से यार्न तैयार इस तीनों डिवाइस का यूज करके कर सकते हो। अब हमको क्या करना है, यार्न से फैब्रिक तैयार करना है, यानी कि मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न, अब इस पर चर्चा करना है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न लॉन्ग थ्रेड्स बाय टू मेन प्रोसेस। तो आपको यार्न से फैब्रिक तैयार करना है तो इसके लिए दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस का आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट वन वेविंग और सेकेंड वन नीडिंग। तो वेविंग में क्या करते हैं, हम लोग जो दो थ्रेड लेते हैं, वेविंग की चर्चा कर देते हैं। वेविंग में क्या करते हैं, दो थ्रेड लेते हैं, वेविंग में दो थ्रेड लेते हैं, एक जो है इस तरह से अरेंज कर देते हैं, सेकेंड वन को 90 डिग्री पे जो है ना इस तरह से इसमें बुनाई किया जाता है,
इसमें बुनते हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका वेविंग में जो है ना दो थ्रेड का यूज किया जाता है, 90 डिग्री पे जो है ना रख के उसको जो है ना बुनाई किया जाता है। और नीटिंग में घर में स्वेटर बुनते हो तो वेविंग नीडल कांटा जिसको बोलते हैं, और एक ही थ्रेड लेते हैं, मतलब जैसे ऊन ऊल ले लिए, एक ही थ्रेड लिए और कांटा यूज करते हैं दो, और उससे हम लोग क्या करते हैं स्वेटर ठंड के मौसम में जैसे बनाए करते हो, तो ये हो गया नीटिंग प्रोसेस। तो नीटिंग प्रोसेस में जो है एक धागे का जो है एक ही थ्रेड का यूज किया जाता है, और वेविंग में दो थ्रेड का यूज किया जाता है और 90 डिग्री पे इसको बुना जाता है। तो ये दो प्रोसेस का आप यूज करके फैब्रिक्स तैयार कर सकते हो। तो वन बाय वन अब इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले वेविंग के बारे में देख लेते हैं। तो वेविंग की चर्चा करते हैं। आपको फैब्रिक्स तैयार करना है फाइबर से, तो इसके लिए जो है दो प्रोसेस वेविंग और नीटिंग। तो वेविंग की चर्चा करते हैं। तो वेविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक और क्लॉथ बाय अरेंजिंग यार्न लॉन्ग थ्रेड पासिंग इन वन डायरेक्शन विथ अदर यार्न एट राइट एंगल्स 90 डिग्री टू देम इज कॉल्ड वेविंग। तो अभी वेविंग के बारे में चर्चा की थी। तो वेविंग की प्रोसेस में क्या करना है कि आपको दो थ्रेड लेना है, दोनों को 90 डिग्री पर रखते हैं और क्या करते हैं हम फैब्रिक तैयार करते हैं। सेकेंड पॉइंट, वेविंग इन्वॉल्व्स टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। इसमें दो सेट होता है यार्न का और एक दूसरे को हम 90 डिग्री पर रखते हैं। ओके, दी वेविंग ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक्स इज डन बाय यूजिंग लूम्स। इसके लिए हम लोग जो है ना क्या करते हैं, लूम का प्रयोग करते हैं। ओके, तो लूम्स की कुछ जानकारी ले ले। लूम इज ए डिवाइस फॉर मेकिंग फैब्रिक्स बाय वेविंग यार्न। लूम में क्या करते हैं हम लोग, यार्न की मदद से फैब्रिक्स तैयार करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड करगा, इसको करगा भी करते हैं। और ये करगा दो टाइप्स का हो गया, हैंडलूम और पावर लूम। हैंडलूम हाथ करगा बोलते हैं, इसको हाथ से तैयार करते हैं, और पावर लूम बिजली से का यूज करके हम तैयार करते हैं। ओके।